क्या सवाल है भाई? आप बहनों का सवाल नहीं ले रही, क्या बात है? बहनों की अभी आई नहीं है। चलेगा, कोई मसला नहीं, भाइयों का सवाल लेते हैं। प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन को कोई एडवाइस देंगे आप? प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन को मैं कोई एडवाइस? आप तो वैसे अपने फील्ड के जीते हैं, मैं मेरे ऐसा कम इल्म आदमी आपको क्या सिखा सकता है। मेरी एडवाइस एक स्पोर्ट्समैन को यही है कि जो मैं एक एडवाइस मैं हर फील्ड में जो देता हूँ आपको भी दूंगा, आपकी फील्ड को दूसरी फील्ड से लेता हूँ, अपनी अपना जो जवाल और अपनी जो मौत है ना वो पहले कैलकुलेट करके रखना। वो सूरज जो आज तुलू हुआ है तरक्की का तेरे सर के ऊपर और मेरे सर पर, इसने एक दिन गुरूब होना है। वन डे द सन विल फॉल ऑन माई साइड एंड योर्स एज वेल, नंबर वन। तो एक ना एक टाइम पर रिटायर तो होना है ना। जब तक रिटायर नहीं होते, लिव इट लाइक अ किंग, गिव इट ऑल यू गॉट इन इट। अपना 100 से ऊपर 100% ऑफ वार्म अप होना चाहिए, 180% के ऊपर परफॉर्मेंसेस चलनी चाहिए, क्योंकि ये तेरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये सूरज एक दिन तुम्हारे ऊपर भी, ये जो भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है मेरा दोस्त है भाई या बड़ा, तुम्हारे ऊपर भी ये एक दिन सूरज गुरूब होगा। इट्स गोना सेट ऑन यू। नंबर वन, एंजॉय द राइड एंड एंजॉय इट विद द फुलेस्ट। फ्यूचर की टेंशन से अपना प्रेजेंट बर्बाद ना कर मेरे यार। एंड नंबर फोर, वर्क सो हार्ड। ये जुमला बड़ा कीमती, इतनी मेहनत कर कि जिस दिन तेरा सूरज गुरूब होना ना, अल्लाह उसे 3 दिन और आगे कर दे, फिर 30 दिन और आगे कर दे, फिर 3 साल और आगे कर। कीप पुशिंग द लिमिट्स। रिटायरमेंट का ना सके, जब तेरा मन भर रिटायर, जब दुनिया तुझे रिटायर करना चाहिए ना, इसका मतलब है यू हैवन गिवन योर 100% ऑन इट। बाकी प्ले इट लाइक अ प्रोफेशनल विद ऑल द पॉलिटिक्स एंड कोई भी फील्ड बगैर सियासत के नहीं होती, मैं बताना चाहता हूँ किसी को ये। और ये आसमानों से मदद को बगैर मेहनतों के एक्सपेक्ट करना ना, ये बदअकीदगी है। मेहनत के बगैर अगर अल्लाह से फल मांगना है ना, तो ये इस जिंदगी का मकसद नहीं है। मेहनत करनी है, सियासतें भी होंगी, तुझे तोड़ने की भी कोशिश की जाएंगी। नंबर वन, टैलेंट हर किसी में होता है, पॉलिश होके फॉर्म बनता है वो मेहनत से होता है, पर उस फॉर्म को रिटेन और उसको कैनवेस और पैकेज आउट करने के लिए ना, ब्रांडिंग पैकेजिंग और बड़ी सियासतें और बड़ी गेम समझनी पड़ती है। तो जिंदगी एक डंगर स्टाइल में नहीं गुजारना। मैंने बहुत से स्पोर्ट्समैन को देखा है कि उन्हें थोड़ा सा जब फेम मिलता है ना, तो वो हैंडल नहीं कर पाते। डू इट गुड, प्ले इट नाइस, ब्रिंग इट नाइसली, डू इट स्लोली। होते हैं 8-10 साल एक आदमी के प्रोफेशन के करियर में, सुकून से आके अपना नाम बनाओ, अपना काम करो। और सारी तरक्की मेरी लास्ट टिप, अल्लाह के हवाले कर देना। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहते रहना, इसमें तुम्हारा और मेरा कोई बड़ी बात नहीं है कि लोग आज मुझे सुन रहे हैं और तुम्हें देख रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह।